हेलो डियर फ्रेंड्स, ये सिद्धार्थ और आप लोग देख रहे हैं सिद्धार्थ व्लॉग, और आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में। ये देखिए गाइस, हमारे घर लड्डू गोपाल जी और दो है। गाइस आपको तो पता ही होगा कि लड्डू गोपाल जी की कितनी सेवा होती है, उनको मतलब खाना बनाने से भोग लगाना है ना, इनको नहलाना, अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनाना और इनको मतलब कि इनको खिलाना, खाना खिलाना और दूध पिलाना, इनकी अच्छे से सेवा होती है। ठीक है गाइस, और गाइस ये भी बताना कि किस किस के पास, किस किस के घर में लड्डू गोपाल जी, कौन कौन लड्डू गोपाल जी की सेवा करना पसंद करता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मैंने तो आपको बता ही दिया कि मेरे घर में लड्डू गोपाल जी है दो, और इनकी हम बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, इनकी बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। तो आप गाइस पक्का बताना कि किस किस के पास लड्डू गोपाल जी है। ठीक है, ये देख लीजिए, आप इनको अच्छी तरह से देख लीजिए, कितने प्यारे लग रही है दो बैठे हुए। अरे मैं तो आपको ये बताना भूल ही गई, ये मैंने स्कूल टाइम में बनाया था, अभी नहीं स्कूल टाइम में जब मैं पढ़ाई करती थी, अब तो मेरी मैरिज हो गई है, स्कूल टाइम में बनाया था अपने घर। तो आज मैं घर आई हूँ तो मैंने देखा तो मुझे अपनी स्कूल की याद आ गई, इसको देखा कि ये मेरा बनाया हुआ हाथ का, ये पापा ने कमरे में सजा रखा था, ठीक है ऊपर, तो मैंने देख लिया कि ये मेरे हाथ का ही बना हुआ है, तो मैंने इसको उठा लिया। तो आपको ये दिखा रही हूँ गाइस, आप प्लीज बताना कि आपको ये कैसा लगा। ठीक है गाइस, देखिए ये मैंने फ्लावर स्पॉट बनाया है, ये बताना आप कमेंट में कि आपको कैसा लगा। ठीक है, ये देखिए, ये जो इसके फ्लावर्स है ये टिश्यू पेपर के बनाए हैं, और ये जो आइसक्रीम होती है ना उसकी डंडिया से बनाया है, ये देखिए कैसा लगा आपको, ये देखिए बताइए कि आपको ये कैसा लगा मेरा हाथ का बना हुआ। तो गाइस आज मैं अपने घर आई हूँ, आज मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, मैंने अपने हस्बैंड जी से कहा कि मुझे घर घुमा के लाओ। तो आप जानते ही होंगे कि आज का मौसम कितना अच्छा हो रहा है, तो ऐसे मौसम में तो घूमने का नॉर्मली सी बात है, सबका ही मन करता है। तो मैंने कहा कि चलो चलते हैं घर घूमने। तो ये देखिए, ये है आम का पेड़। ठीक है गाइस, हमारे घर में इतने पेड़ है बहुत ज़्यादा अच्छा ग्राउंड्स, मतलब इसमें हम लोग क्रिकेट भी खेल सकते हैं, फुटबॉल भी खेल सकते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक भी कर सकते हैं, जो चाहे वो गेम्स वगैरह कुछ भी खेल सकते हैं। ठीक है गाइस, अब आप देखिए, ये है मेरी चाची की लड़की अनुष्का, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज अनुष्का। अच्छा, और आप कौन सी क्लास में हो? आई बी क्लास 4 से। और स्कूल्स नेम? माय स्कूल नेम इज सरस्वती शिशु मंदिर। ओह देखिए गाइस, ये मुझे इतनी क्यूट लगती है, ये बचपन में इतनी गोल मटोल, इतनी क्यूट थी, ये बहुत क्यूट थी, इसके बगैर तो मैं सोती भी नहीं थी पता है। और गाइस पता है इसकी एक हरकत क्या थी, एक दिन खेलते जीने के ऊपर ही सो गई, जीनों के जीना होता है जो, जीने के बीच बीच ही सो गई खेलते खेलते, और मैं देखने लगी अनुष्का का है और देखा ये सो गई, मैं इतनी जोर से घबरा गई कि भगवान ये गिर ना जाए, और फटाफट इसे उठाया गोदी में और बेड पर लिटा दिया। इतनी क्यूट थी ना ये, और अब देखो कितनी बड़ी हो रही है, अब भी चुलबुली सी है ये। और तो गाइस आज का मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा है, ये देखिए कितना मतलब कितनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। ठीक है ये देखिए गाइस, मैं आज अपने घर आई हूँ और हमारे घर में चल रहा है काम। ये देखिए, ये इसमें
टूट फूट हो रही है, इसमें नए मकान बन रहे हैं, कमरे मतलब कमरे बनेंगे इसमें, रूम्स वगैरह। और ये देखिए ये सारा तोड़ दिया गया है, ये देखिए। और ये अभी इसका काम चालू है और ये बनके रेडी हो जाएगा, कम से कम इसमें 2-3 मंथ्स तो लगेंगी, और 2-3 मंथ्स के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा इसका काम। सो गाइस, आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। तो गाइस, मैं अपने घर आई हूँ और मेरा मकान बनके तैयार हो रहा है, बट अभी उसमें काम चल रहा है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 मंथ्स के बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो डियर गाइस, जैसे आप लोग देख ही रहे होंगे, ये कल्पना का फेवरेट डॉगी है और ये थोड़ी सी इसको ना खुजली को रखी है, इसको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। कल्पना क्या हो रहा है इसको? अरे इसको ना थोड़ी एलर्जी हो रखी है। अरे यार, ये इसका इलाज नहीं करवाते क्या? चल रहा है इलाज, ठीक हो जाएगा ये। चल। क्या हो गया कल्पना, इतना गुस्सा की दिखा रही है? मुझसे बात मत करो आप। अरे यार क्या हो गया? मुझे ना बहुत जोर से भूख लग रही है, ठीक है, और फटाफट आप घर चलो, फटाफट मुझे खाना खाना। ओके। सो डियर गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।